स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम वीकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। हम हर संडे को एक वीकली करंट अफेयर के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं ताकि पूरे मंडे टू सैटरडे तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर कर लें। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल मिलेगी, उस पर ऑल प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वो है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, जन औषधि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो वो है ओडिशा। ठीक है, जो ओडिशा स्थान है, राज्य है, उसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को पहला स्थान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच में मित्र सेतु का उद्घाटन कर दिया है? तो वो देश है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्र सेतु का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, मैं डबल बार रिपीट कर रही हूँ ताकि दूसरी बार में आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? कौन सा नया प्लेटफॉर्म है? तो वो है वीमेन विल वेब। ठीक है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने वीमेन विल वेब नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है हशमत उल्ला शाहिदी। ठीक है, हशमत उल्ला शाहिदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जहां पर दीदी हैं ममता बनर्जी, न्यूज़ में आप सुन ही रहे होंगे क्या चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर जो बन गई हैं वो कौन है? वो है मिताली राज। ठीक है, मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली ये दुनिया की दूसरी हैं और भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जिसने 10,000 रन पूरे किए हैं, मिताली राज ने। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है वो देश है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? तो वो है ऋषि कटेल।
ठीक है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कटेल को सौंप दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज करके 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर वन पहलवान बन गई है। ठीक है, कौन है वो भारतीय महिला, उनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, ये महिला है, इनका नाम है विनेश फोगाट। इन्होंने हाल ही में ये भारतीय महिला है, इन्होंने हाल ही में मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज करके 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर वन पहलवान ये बन गई है, विनेश फोगाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को, ठीक है, 9 प्रसिद्ध हस्तियां प्लस एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। कौन सा देश है वो, वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट, किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो वो है अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, इन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाना है। ठीक है, यह अमिताभ बच्चन जी, महानायक अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो वो देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन सी कंपनी है, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस पुरस्कार से सम्मानित थे भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित थे और ये एथलीट थे ईश्वर सिंह देओल और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन्हें हाल ही में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो पदक हासिल किया है वो कौन सा पदक है, वो है रजत पदक। ठीक है, पीवी सिंधु जी ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो पदक हासिल किया है वो है रजत पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला उद्यमियों को समर्थ एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम के शुरुआत करने की घोषणा की है, कौन सी बैंक है वो, तो बैंक है HDFC। ठीक है, HDFC बैंक, इन्होंने हाल ही में महिला उद्यमियों को समर्थक एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है, तो वो है म्यांमार देश। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने म्यांमार देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है, तो वो है टिकटॉक। और हमारे देश में, भारत देश में कब से बंद हो चुका है ये, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने ये टिकटॉक चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंध कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है, कौन सा देश है, तो वो है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है। ये हमारे 8 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर आज आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।